नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। संसद का सत्र चल रहा है और संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आक्रामक है। कई मुद्दों पर बहस हो रही है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी के साथ साथ नेशनल हेराल्ड जैसे मुद्दों को भी उठाया जा रहा है। महंगाई पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में महंगाई नियंत्रण में है। संसद की कार्यवाही के दौरान कई बार विपक्ष के हंगामे के बीच में ही कार्यवाही को रोकना पड़ा। वहीं लोकसभा में डीएमके के एक सांसद ने सोनिया गांधी से शिकायत की कि उनके सांसद सदन के विल में जाकर उनका साथ नहीं दे रहे हैं। दरअसल हुआ यह था, दोपहर के स्थगन के बाद जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके और वाम दलों के सांसद सदन के विल में जाकर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस सांसद कार्ती चिदंबरम और शशि थरूर अपनी सीट से उठ तो गए थे, लेकिन विल में जाने के बजाय वहीं खड़े थे। यह देखकर तमिलनाडु के डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने सोनिया गांधी से शिकायत की कि कांग्रेस के दोनों नेता सदन के विल में नहीं आए। इस पर सोनिया गांधी मुस्कुराते हुए कहा, मैं सदन में विल तक आऊंगी। इसके बाद जैसे ही सोनिया गांधी अपनी सीट से उठी और वहां से बाहर निकली तो ये देखकर कांग्रेस के सभी सांसदों ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए बैठे रहने के लिए कहा, और इसके बाद चिदंबरम और थरूर दोनों ही सदन के विल तक पहुंच गए। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई थी तो विपक्ष के दर्जनों सांसदों को निलंबित किया गया था, क्योंकि वे कार्यवाही के दौरान हंगामा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने सदन के बाहरी परिसर में धरना दिया था, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कहा था कि लोग धरना के नाम पर पिकनिक मना रहे हैं और गांधी प्रतिमा के नीचे चिकन खा रहे हैं। ये किस तरह का धरना प्रदर्शन है? इसके अलावा सदन के अंदर स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच भी नोकझोंक देखने को मिली थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेसियों ने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार लाइसेंस का मुद्दा उछालकर स्मृति ईरानी को घेरना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से फिलहाल सदन के अंदर से लेकर बाहर तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आक्रामक हैं। देखना होगा कि संसद के सत्र की कार्यवाही ऐसे ही हो हल्ला में निकल जाएगा या फिर किसी जनहित के मुद्दे पर भी चर्चा होगी।